XL7 रामदास हूँ। आइए मैं देखता हूँ, यहाँ ये अस्पताल है प्रतापगढ़ की और यहाँ मैं खड़ा हूँ। यहाँ 24 घंटे से कोई डॉक्टर अभी तक साइड पे नहीं आया। माने डॉक्टर चौबे साहब के जी यहाँ मौजूद हैं, वो अपना स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। अभी हम लोगों से ये बात कही गई कि यहाँ मैं कुंडई वहाँ करता हूँ जब प्राइवेट लोग दिखाने आते हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब से, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मुझे डिस्टर्ब ना कीजिए। तो इस संबंध में डॉक्टर साहब यहाँ हमारे सामने देख लीजिए। जाए अलावा यहाँ हम लोगों ने कई मरीजों से स्टेटमेंट लिया है, तो अभी इसके संबंध में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो आइए, यहाँ कुछ मरीज का कब से यहाँ भर्ती हैं आप? 12 बजे से, कल सुबह से, आज की रात में 12 अभी 12 बजे से हैं रात से। क्या हुआ है आपको? पेट में दर्द हो रहा है। कोई डॉक्टर देखने आया था इसके पहले? अभी आए थे। अच्छा, आइए दूसरे में। कब से यहाँ भर्ती? कब से भर्ती आ? काल से भर्ती आ, तो कब तक डॉक्टर एक को आन देखे? एक तो डॉक्टर तो कब चेक करे आए? सीता देवी कल से हैं आप? हाँ, कितने बजे से हैं? 10:30 बजे से हैं। 10:30 बजे से हैं, तो कोई तब से अब तक आया है? कोई नहीं आया। इस वक्त जैसे कि 11:30-12 बज रहे हैं। हाँ, अभी डॉक्टर साहब एक आए हैं। ठीक है, इसके पहले कोई डॉक्टर आया था? कोई नहीं आया था। आइए। अच्छा, गोपिया मऊ से आए। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है इस बच्ची को? अच्छा, कब से भर्ती है? जिला प्रताप। कौन गाँव? मसौली। नाम कहाँ है? मोहनलाल। मोहनलाल, मोहनलाल जी यहाँ कब से आप एडमिट है? कल 10 बजे। कल 10 बजे 11 से। कोई डॉक्टर आपको मिला? कोई नहीं, यही नर्स लोग आई थी। तब से अब तक कोई डॉक्टर नहीं आया? आज अभी 11:12 बजे आए। 11:12 बजे। अच्छा, तो आप कल से भर्ती हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, अब मीडिया के माध्यम से क्या कहना? हमारे इस मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ ये व्यवस्था जो चल रही है सही है कि गलत? ये व्यवस्था सब गलत है। हाँ, पैसा मांगते हैं और वहाँ रूम पे अपना फीस लेकर देखते हैं, तब यहाँ मरीज चाहे मरे चाहे जिए। पैसा मांगा जाता है उनका? प्राइवेट देखते हैं रूम पे? ठीक है, कमरा पे। तो यहाँ पे राउंड पर नहीं आता, तो यहाँ ऐसी अव्यवस्थाएं हैं। और ये प्रतापगढ़ का सरकारी अस्पताल हॉस्टल है, यहाँ लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर जो भी मिलते हैं वो डॉक्टर सिवाय पैसे के और कोई उनका काम नहीं है। यहाँ कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। तो धन्यवाद, मैं XL7 न्यूज से रामलाल सुरो। इसके अलावा और किसी का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं। इसके अलावा अगर कोई आदमी इलाज करा तो उसको प्रतिबंधित है गैर, वो झूला चाहते। एक मिनट खड़खड़ाइए नहीं, एक मिनट थोड़ा सा। और महेश, आपने 42 रजिस्ट्रेशन अस्पतालों का कराया है, लेकिन जमीनी तौर पर देखा जाए तो उससे अधिक अस्पताल चल रहे हैं। अब अगर कोई अवैध गैर कानून रूप से चला रहा है तो उस पर हम लोग नियमित कार्रवाई कर रहे हैं, छापा मार रहे हैं, जो पकड़ मारते हैं उनके खिलाफ तैयार करते हैं, आगे कार्रवाई पुलिस करते हैं। लगातार हमारे चौधरी साहब डिस्ट्रिक्टों के संबंध में हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। प्रति सप्ताह हम लोग 6-8 तो कर ही रहे हैं। कुल मिला के प्रतापगढ़ में सब कुछ सुनिए। इस बारे में हम क्या कहें, मैं सही हूँ, मैं अच्छी मन से अच्छी नीयत से।